हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो है पालक पनीर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले हम एक बर्तन में हम पानी उबालेंगे और हम पालक को उसमें उबालेंगे। जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें पालक डाल के गैस बंद कर देंगे और इस ही गर्म पानी में हम थोड़ी देर पालक को डले रहने देंगे, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। ज़्यादा देर नहीं, नहीं तो हमारी पालक काली हो जाएगी। जब ये सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसे निकाल के ठंडे पानी में ऐड करेंगे ताकि इसकी जो प्रोसेस है वो रुक जाए और हमारी पालक ठंडी भी हो जाए। और उसी पानी में हम 3 टमाटर भी उबाल लेंगे इस तरह कट करके, ऐसे इसके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। यहाँ पे हमारी पालक ठंडी हो चुकी है, इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे ऐसे और पानी निकाल लेंगे और फिर मिक्सी के जार में इसको पीस लेंगे, अच्छे से प्योरी बना लेंगे। और यहाँ पे हमारे टमाटर भी अच्छे से उबल गए हैं, इसको भी हम पीस लेंगे। ये देखिए हमारी पालक अच्छे से पीस गई है यहाँ पे। अब हम उसी जार में हम इस 3 टमाटर को भी पीस लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट स्टेप इसका करते हैं, हमें पनीर को अच्छे से काट लेना है क्यूब्स में और इसको हल्का कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा कलर नहीं देंगे, हल्का हल्का सा ही फ्राई करेंगे इसको, फिर हम इसे निकाल लेंगे। और ये जो पनीर हमने फ्राई की थी इसको हम ठंडे पानी में डाल देंगे, इससे हमारा पनीर सॉफ्ट रहेगा। यहाँ पे हम तेल में तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, स्टार अनीस, लौंग और काली मिर्च डालेंगे और 1 से 1 चम्मच जीरा। अच्छे से इसको खुशबू आने तक ही फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने 2 प्याज ले लिया है बारीक कट करके, इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे, हल्का पिंक कलर आने देंगे। और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को पीस के यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच करीब लाल मिर्च, कश्मीरी रेड चिली और 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी मिला लेंगे अच्छे से मसाले को। और जो टमाटर हमने पीसा था वो ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से कुक करेंगे जब तक ये अपना ऑयल छोड़ ना दे मसाले। और उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छे से कुक करने के बाद ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है और इसने तेल भी काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। अब जो हमने पालक की जो प्यूरी तैयार रखी थी उसको ऐड करेंगे, मिला लें। थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, हमारी पालक थोड़ी गाढ़ी है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मिला लें अच्छे से थोड़ी देर बाद। ये देखिए हमारी पालक अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, मिलाएंगे और जो पनीर को हमने क्यूब करके रखा था, तल के क्यूब्स में काट के, हमने इसे पानी से निकाल लिया और इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे ढककर अच्छी तरह। पाँच से 10 मिनट ही एकदम लो फ्लेम पे। ये देखिए हमारा पनीर अच्छे से कुक हो चुका है, तेल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच क्रीम डाल देंगे, फ्रेश क्रीम, मिला लेंगे। और इसको मिलाने के बाद हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको एक बर्तन में सर्व कर लेते हैं। हमारा पालक पनीर बनके एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
ऐसी और भी आसान रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।